Smoking causes cancer. Smoking kills. धूम्रपान से कर्क रोग होता है. धूम्रपान जानलेवा है. Liquor drinking is injurious to health. मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है. एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे. तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है. सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है. अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें. मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए. आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों. आओ जानम, गुंडों ने हमें घेर लिया है. ए, उसे उठा कर लाओ रे. ए, काट डालूंगा सबको. मेरी जानम को मेरे सामने किडनैप करके ले जा रहे हैं. छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे छोड़ो ना. नालायक की औलादो, दाढ़ी मूछें ठीक से निकली नहीं है और लड़की को उठाकर चले हो लव मैरिज करने. लव मैरिज? मेरे गैंग को देखकर मिलिट्री के जवान जैसे खामोश खड़े होते हैं, वैसे ही खड़े हो गए हैं. देखो जान, यहाँ से शहर 100 किलोमीटर की दूरी पर है. शादी तो होके रहेगी लेकिन इस रूट पे नहीं, गुटरगू रूट पे, शिवमोगा में. वहाँ पहुँचने के लिए 300 किलोमीटर चलना. तेरे पहुँचते पहुँचते शादी खत्म हो चुकी होगी और साथ में खाना भी खत्म हो चुका होगा. बचेंगे तो सिर्फ झूठे बर्तन. नालायको, तुम लोग ऐसा करोगे मैं जानता था, इसीलिए मैंने डिफरेंट तरीके से
उनकी वाट लगाने के लिए लोगों को भेज दिया है। प्यार का सीधा फंडा ना हिंसा इसका धंधा, प्यार के फूल खिलाए प्यार जो करता बंदा। प्यार का सीधा फंडा ना हिंसा इसका धंधा, प्यार के फूल खिलाए प्यार जो करता। सीधा फंडा ना हिंसा इसका धंधा, प्यार के फूल खिलाए प्यार जो करता बंदा। प्यार का सीधा का विरोधी हूं मैं और अहिंसा का पुजारी। प्यार के लिए जान दे सकता हूं, प्यार के बीच में अगर कोई आया ना तो। सीधा फंडा ना हिंसा इसका धंधा, प्यार के फूल खिलाए प्यार जो करता बंदा। प्यार का सीधा फंडा ना हिंसा इसका धंधा, प्यार के फूल खिलाए प्यार जो करता बंदा। आओ प्रियजन तुम्हें सुनाओ प्यारी धुने, ये दुनिया रंग बिरंगी पतंग रे पतंग जो चमकीली है उड़ती ऊंची ऊंची नाचे आड़ी तिरछी कटती तो नीचे गिरती सही है ना। पूछो इस प्यार को पूछो जो है जिंदा, इसका मुखड़ा उजला है जैसे चंदा। प्यार का सीधा फंडा ना हिंसा इसका धंधा, प्यार के फूल खिलाए प्यार जो करता बंदा।
कोई दूजा धड़क के दिल ही कहता मेरा राजा दिल में रहता मैं तेरे लिए ही जीती बस मेरे लिए ही जीतू सच मैं कह दूंगा तो बुरा मानेगी तू आगे पीछे कभी ना करना सीधी रहना तू प्यार जो करते हैं सल्यूट उनको तू क्यों बोल तू सही है ना इस प्यार को पूजो है जो जिंदा इसका मुखड़ा उजला है जैसे चंदा प्यार का सीधा फंडा ना हिंसा इसका धंधा प्यार के फूल खिलाए प्यार जो करता बंदा बनकर मैं बूंदों में बरसूंगा काम अग्नि की ज्वाला को ठंडी कर दूंगा दोस्ती का पहला उठा कदम बस तू फिर देखना प्यार का जादू पूजो इस प्यार को पूजो जो है जिंदा प्यार ही जिंदा इसका मुखड़ा उजला है जैसे चंदा प्यार का सीधा फंडा ना हिंसा इसका धंधा प्यार के फूल खिलाए प्यार जो करता बंदा आओ प्रियजन तुम्हें सुनाओ प्यारी धुने ये दुनिया रंग बिरंगी पतंग रे पतंग जो चमकीली है उड़ती ऊंची ऊंची नाचे आड़ी तिरछी कटती तो नीचे गिरती सही है ना पूजो इस प्यार को पूजो जो है जिंदा इन गरीब बच्चों से तुम कितना प्यार करते हो इन बच्चों के बीच तुम भी एक बच्चा बन करके हर बार हर बच्चे का जन्मदिन मनाते हो और साथ में कीमती उपहार लेकर भी आते हो मिठाई लाते हो हर बच्चे के सुख दुख का ख्याल भी रखते हो तुम और इस आश्रम को तुम अपनी पूरी मदद भी देते हो इस युग में तुम्हारे इस महान विचारों को देख कर पैसे वाले धन दौलत वाले उन बड़े लोगों को शर्म आनी चाहिए बेटा शर्म आनी चाहिए क्या अंकल आपने हद से ज्यादा तारीफ कर दी मैंने कौन सा ऐसा महान काम कर दिया इन बच्चों को हमेशा हंसते खेलते हुए देखता हूँ तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है अंकल अरे आज क्या है गरम गरम अग्नि वही है मेरे पास गरम गरम अग्नि तेरी तो मुझे ही झटका अबे मेरा मतलब है आज होटल में स्पेशल क्या है छोटी हो पाँच मिनट में यहाँ पहुँच जाना चाहिए समझा पाँच मिनट तो छोड़ो यहाँ पचास मिनट में कुछ आने वाला नहीं है छोटे अग्नि आज होटल की छुट्टी है क्या
नहीं गुरु, कीर्ति का अकाउंट तो हनुमान की पूछ की तरह बढ़ता ही जा रहा है। ए अग्नि, मेरा अकाउंट जैसे बढ़ता जाएगा ना, वैसे तेरे होटल का लेवल भी बढ़ता जाएगा। होटल का लेवल बढ़ेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन तेरा होटल जरूर बंद हो जाएगा। क्या लाख टके की बात की है, इस हाथी के बच्चे को उधार दे देकर उस बेचारे होटल वाले को दूसरे के होटल में बर्तन घिसने की नौबत आ गई है। अब कल्लू, आज मैं इसका पूरा अकाउंट सेटल कर दूंगा, पहले मेरा ऑर्डर लाने के लिए बोल। हाँ, तेरा सेटलमेंट करने के लिए कुबेर फॉरेन से करेंसी भेज रहा है ना, उससे तुझे क्या लेना देना कल्लू। आधे घंटे के अंदर इसका अकाउंट सेटल नहीं हुआ तब तो पूछना मेरे से। अग्नि, अबे आधा घंटा तो छोड़, आधे मिनट में तेरा अकाउंट सेटल करता हूँ मैं। अब निकल ले और मेरा ऑर्डर लेके आ। पहले सेटल कर फिर आऊंगा। अरविंद, देखा इस मोटे की सोच को, तू इतना मेहनत करके कमाता है, इस हाथी के बच्ची को पालने के लिए क्या? हेलो, अबे बकवास बंद कर रे जरा। ए गुरु, जरा चार गांधी निकालना, उस होटल वाले के मुंह पे मार के आता हूँ। हेलो, किस दुनिया में है तू? सब कुछ आश्रम में देकर आया हूँ। क्या सब आश्रम में देकर आ गया? ये क्या किया गुरु, तुमने सब आश्रम वाले को दे दिया तो पीने के लिए और चखने के लिए कुछ नहीं बचाया अपने पास। सुन, हम खून पसीना बहा के ईमानदारी से चार पैसे कमाते हैं, वो चार पैसे हम अच्छे कामों में लगाएंगे तभी उसका कुछ मतलब निकलता है। इसके अलावा अगर खा पी कर उड़ा देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता। बहुत ऊंचा विचार है तेरा अरविंद, दूसरों को सुख देकर उनका दुख बांटने वाला ही असली इंसान कहलाता है। अब इस बात को ये कंट्री पीने वाले क्या जाने। नमस्ते। नमस्ते बेटा। आज आप यहाँ कैसे सर? एक रिसेप्शन पार्टी रखी है, तुम और तुम्हारे दोस्त जरूर आओगे। सर, ये भी है क्या? सब कुछ है, ठीक है ना? तुम ही चलो। तुम लोग एंजॉय करो। जाओ यार, अपना काम करो। मिस्टर कालू मियां, आप भी हमारे साथ पार्टी में चलोगे क्या? जरूर, तुम सब लोग जाओगे तो मैं क्या यहाँ पापड़ ले लूंगा? अरे वहाँ खंबे का इंतजाम भी है। हमारा कीर्ति दो पैग लगाने के बाद नौटंकी शुरू कर देता है यार। मैं करेक्ट रहूंगा यार। मैं बहकता नहीं हूँ, बस थोड़ी सी चढ़ जाती है यार। थोड़ी सी चढ़ जाती है, तू तो अपना कंट्रोल ही खो देता है गुरु, औकात दिखा देता है तू। अरे हम लोग एक काम करेंगे ना यार, हम लोग सब खा पी के इसको भी वहाँ से उठा के ले आएंगे, क्यों चलेगा ना मोटू? ओके चलेगा तो ठीक है, अब तू सुबह से शाम तक सॉरी कीर्ति, हम लोग पहले ही जेंटलमैन के जैसे एग्रीमेंट कर चुके हैं, अब हमारे खाने पीने के बाद ही तेरा नंबर आएगा, समझा? यार, यहाँ पर कोई भी क्लाइमेक्स में मेरे साथ पीने के लिए नहीं बचेगा, सभी लोग पी रहे हैं, छोड़ यार, मुझे भी पीने देना यार। डिस्टर्ब मत कर यार, अब जल्दी से बाहर निकल, अभी टाइम लगेगा, अब एक घंटा और लगेगा, अब मैं क्या करूं? चढ़ी थी वो भी उतर गई। आए, तू भी पार्टी में आया है क्या? हाँ। इस पार्टी में कितना खर्च हुआ है तुझे पता है क्या? मुझे क्या पता है? खाना पीना सब मिलाकर कितना खर्च हुआ होगा जानता है? नहीं जानता। जाने दे, इतने लोग दारू पी रहे हैं, ये दारू पर कितना खर्च हुआ होगा जानता है? मुझे क्या मालूम होगा भाई साहब, अब मैं तो अपने दोस्तों के साथ खाने पीने आ गया था। ए, सच बोल रहा है? एकदम सच? हाँ, प्रॉमिस। तो वाकई खाने पीने के लिए आया? हाँ। तो फिर ये ले। तू क्या समझता है मुझे पता नहीं है? इसे तू वेस्ट मत करना, पी ले। मुझे तो ये वही बोतल लग रही है, इसके अंदर शराब नहीं है तो मैं जानता हूँ। भाई साहब, मैं इसे घर ले जाऊँ, मैं वहाँ पी लूंगा। हाँ, गुड बाय। हाँ, पी लेना। हाँ, जरूर। अरे संभाल। ओके प्रशांत, ओए ये सब क्या है, पार्टी में अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो, दिमाग नहीं है क्या? यार देखना, दो घंटे से ये दोनों पिए जा रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं दे रहे यार, थोड़ा मुझे भी दिलाना। शट अप, एग्रीमेंट एग्रीमेंट।
एक्सक्यूज मी ब्रदर, मान मर्यादा वालों को एक बार समझाने से समझ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुमने फिर से ये बॉटल फेंक दिया था ना? ऐ पी लो, तुम्हें मैंने पीने के लिए दिया था, पियो। पी लो भाई साहब, अब मैं पी लूंगा, आप जाइए। मैं नहीं जाऊंगा, तुम पियो, तुम्हारे पीने तक मैं वेट करूंगा। आजा जाने दो, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो छोड़ दो। नहीं भाई, अब मैं पी लूंगा, मेरे सब दोस्त उधर है ना, वहीं जाके पीऊंगा भाई। मैं जाके पी लूंगा। हाँ वेरी गुड फ्रेंड दोस्त, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, सुनो। डांटने वाला बाप होता है और जो नहीं डांटे वो होती है माँ, और जो बचपन से लड़ती झगड़ती है वो है बहन, और जो जेब खाली करती है वो है बीवी, और जो अपने लिए जान दे वो है दोस्त। अबे क्या कर रहा है? ए हाथ मत लगाना हमारे पीने के बाद। आओ आओ आओ, सॉरी फ्रेंड्स। अबे तुझे क्या हो गया? आगे क्या ले जा रहा है? लगता है कोई स्पेशल ड्रिंक लेके आया है। ए देना देना, अबे छोड़। अरे देखना, ये लोग मुझे कह रहे हैं क्लाइमेक्स में पीने के लिए। इन लोगों ने अभी से कितनी पी रखी है यार। क्या यार, देना इसे पीने के लिए। अरे यार नहीं है। स्टॉप, तूने तेरे हिस्से का पी लिया और उसे खाली भी कर दिया, अब इसे पीने दे। ए तू पी जा। अरे तुम लोग नहीं पी सकते इसे यार, नहीं पी सकते। यही क्यों नहीं पी सकते? तू इतना, अरे देना देना इसे, एक मिनट आना। छोड़ ना, आ तो छोड़ यार, एक मिनट छोड़ ना इसे। अरे यार रुक 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 रुक, ये ले तू मेरी वाली पी ले। क्यों क्यों नहीं पी सकता यार? अब तक तो ये था, अब इसकी भी नौटंकी शुरू हो गई है। तू ये ले यार। अरे ये वो चीज नहीं है यार। मतलब? अरे इसमें मेरा पेशाब है। अबे अबे साला मना तो कर रहा था। आप बात कर रहे हैं लगता है तुम रात भर से सोए नहीं हो। ए, मैं समझ गया दोस्त, पार्टी में जिस लड़की ने तेरा दिल चुरा लिया था उसी के बारे में सोच रहा है ना? बदतमीज साले।
क्या हुआ, बारिश हो रही थी क्या भाई? हाँ यार, लगता है बारिश ही आई थी। बारिश नहीं, बाढ़ भी आएगी। और तुम लोग कितनी पिए थे? एक क्वार्टर। और मैं कितनी पिया? एक लीटर। फिर भी मैं खड़ा हूँ। और तुम लोग यहाँ पड़े हो सारे, कोई काम नहीं क्या? चलो काम पर चलो। इसे देखो, कल रात की पार्टी में इसने किसी को दिल दे दिया था, उसी के बारे में सोचते हुए पूरी रात से जागरण कर रहा है ये। तुम लोग भी तो इसके दोस्त हो, फिक्र नहीं है इसकी? हाँ भाई, तुम इतना क्यों सोच रहे हो यार? तुम्हारे प्यार के पीछे हमारा फुल सपोर्ट है, चिंता मत करो यार। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, उसका एड्रेस तक मुझे नहीं पता यार। उसके बारे में तुम चिंता मत करो भाई, हमारा मास्टरमाइंड कंप्यूटर कीर्ति है ना। लड़की का नाम क्या है ये बता, उसका फुल बायोडाटा निकाल के देता हूँ तुझे। प्रीति नाम है। इतना बहुत है, बोल मैं। उस लड़की को तुम्हें कैसे पटाना ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन उसकी फीस देनी पड़ेगी। अबे साले, रिश्वत देकर मुझे उसे पटाने के लिए आइडिया नहीं लेना है। आज तक किसी लड़के ने ऐसा प्रपोज नहीं किया होगा जैसा मैं उस लड़की को करके दिखाऊंगा। ऐसा तुम क्या करोगे यार? सस्पेंस, अब तू देखता जा मैं क्या करता हूँ, वो भी 3 दिन के अंदर। 3 दिन के अंदर मैं उसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दूंगा। हाँ, उसका नाम क्या बताया था? प्रीति ना? हाँ प्रीति। लगता है इस लड़की का ऑलरेडी कोई लवर है। हाँ। अफसोस यार, लगता है लवर है इसका। सॉरी यार, बैड लक। प्रीति का प्यार तेरे लिए नहीं है यार। कीर्ति, उस लड़की की फोटो तो दिखा जो उससे प्यार करता है। हाँ यार, चल देखते हैं। कीर्ति, ये कैसा सरप्राइज है? सरप्राइज भी नहीं है, मजाक भी नहीं है। तेरे प्यार में फंस चुकी है लड़की, मैं तो कल ही जान गया था। रात भर इसी की याद में तूने अपनी नींद गवाई थी ना, मैं कल रात को इसी के साथ चैट कर रहा था। कैसा लगा झटका? हे प्रभु गणेश, मैं पहली बार अपने प्रेम के लिए आपसे कुछ मांग रहा हूँ प्रभु। किसी भी तरह आप बिना किसी रुकावट के मेरे प्यार की नैया पार लगा दीजिए प्रभु। यहाँ है, लीजिए।
मेरे पैर में छाले पड़ गए तुझे ढूंढने के चक्कर में। अच्छा ये तो बोल, प्रीति मिली क्या और तूने उससे बात की क्या? पहले ही मुलाकात में बात कैसे कर सकता हूँ, तू भी ना। चल छोड़, चलते हैं। स्वामी जी, इस मंदिर का नाम श्री शांति प्रेम गणपति क्यों रखा गया है? विद्या गणपति देखा हूँ, शक्ति गणपति देखा हूँ, बहुमुखी गणपति देखा हूँ और जाने कैसे कैसे गणपति देखा हूँ मैं, पर इसका नाम श्री शक्ति प्रेम गणपति मंदिर ही क्यों रखा गया? इस मंदिर की कोई विशेषता है क्या? देखिए महाशय, जो प्रेम करते हैं, प्रेम से आकर यहाँ मन्नत मांगते हैं, उनका प्रेम कामयाब होता है। इतना ही नहीं, जब पति पत्नी में झगड़ा हो और वो यहाँ आकर मन्नत मांगे तो उनका झगड़ा खत्म हो जाता है और उन लोगों का जीवन खुशहाल हो जाता है, वो लोग आपस में प्यार से रहने लगते हैं। Excuse me, time please. Thank you. कैसी रही? क्या नसीब है, टाइम पूछने के लिए इतनी दूर से यहाँ आया था क्या? मेरे जैसा स्मार्ट गुरु तेरे साथ है, प्यार कैसे किया जाता है मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ। लेकिन तू तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है ना। हेलो, चल बैठ। क्या यार, बस सर्दी से आया, टाइम पूछा और फिर से चला भी गया। तू चुप रह। कैसा है तू मेरी कुल्फी, जब भी देखती हूँ तुझे जी करता है कच्चा चबा जाऊं। खैर छोड़, मुझे कॉलेज में ड्रॉप कर देगा। कौन आया बेटा? हाँ? क्या बात है अरविंद, तुम कब आए? और डायना, तुम अभी तक कॉलेज क्यों नहीं गई हो? अभी जा रही हूँ पापा, बाद में मिलते हैं हैंडसम, तुझे तो मैं क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, मैं तो कॉलेज जा रही हूँ। ओके पापा, बाय बाय। और बताओ बेटा अरविंद, तुम्हारा गैरेज कैसा चल रहा है? आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा चल रहा है, बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता हुआ चलूं। ठीक है अंकल, ठीक है, मैं चलता हूं। नमस्ते अंकल, खुश रहो बेटा।
एक्सक्यूज मी मैम, मुझे प्रीति से कुछ बात करनी है। ओके प्लीज कैरी ऑन। प्रीति जाओ, क्या बात करनी है? नहीं नहीं मैम, ऐसी कुछ पर्सनल बात नहीं है, मैं बस यही बात कर लूंगा। ठीक है बात कर लो। टाइम प्लीज 12:30। थैंक यू, बाय मैम। ओके चल। व्हाट अ डिफरेंट गाय। आ गया देख, टाइम पूछने। टाइम प्लीज 5 बजा है। हेलो मिस्टर, और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो नहीं दिखाई देते? उन्होंने भी तो वॉच पहन रखी है। सुनो बुरा मत मानना, बार बार टाइम पूछने के बजाय तुम एक वॉच खरीद कर खुद टाइम क्यों नहीं देख लेते? वॉच पहनने की मेरी आदत ही नहीं है, क्योंकि जब भी मैं वॉच पहनता हूँ एलर्जी से खुजली होने लगती है, इसलिए मैं वॉच पहनता ही नहीं हूँ। सर सर, आप अपनी वॉच भूल गए थे सर। वॉच? नहीं 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 नहीं, ये मेरी वॉच नहीं है। अरे ये आप ही की है सर, आप भूल कर आ गए थे वहाँ। अरे नहीं बाबा, ये मेरी वॉच नहीं है। ओहो ये आप ही की है सर। बोला ना यार, ये मेरी वॉच नहीं है, क्यों दिमाग खराब है, चल जाए यहाँ से। सर अगर ये आपकी वॉच नहीं है तो क्या मैं इसे रख लूँ? ये अगर इनकी नहीं है तो आप रख लो। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सर वॉच देने के लिए। अच्छा एक और बंदर हमारे साथ रहता है, वो कहाँ पर है? शंकर, वो तो कब का चला गया यार, आज वो बड़ा खुश नजर आ रहा था। अरे वो मेरी वॉच ले गया यार। अरे यार लोग प्यार में पता नहीं क्या क्या खो देते हैं, तुमने तो सिर्फ वॉच ही खोई है ना। जानता है यार अपना दोस्त ब्लैकी है ना, हाँ? क्या मस्त आइटम पटाके घूम रहा है यार। अरे यार वो डाना आई थी, तुझे ही पूछ रही थी भाई, तू बाहर गया ये बोलकर उसे किसी तरह भिजवा दिया मैंने। क्या यार, कब से वो बेचारी तेरे पीछे प्यार प्यार करते हुए भटक रही है, और बेकार में तू इस लड़की के पीछे पड़ा हुआ। क्या यार, वो तो सिर्फ एक फुलझड़ी है और ये मेरा असली प्यार है। क्या हुआ प्रीति, नींद नहीं आ रही क्या? हाँ नहीं यार। आएगी भी कैसे बता, सुबह सुबह एक आता है और तेरे दिल की घड़ी को चाबी लगाकर टाइम पूछता है और चला जाता है। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी वो कौन है, क्यों आके मेरे पास टाइम पूछता है, उसके दिल में क्या है मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। अरे प्रीति उस बेचारे के दिल में क्या है ये तू अभी तक समझ नहीं पाई, तू अपने दिल से पूछ, तुझे अपने आप ही जवाब मिल जाएगा, समझ रही है ना? तेरे दिल की बात तेरी मुस्कुराहट से ही पता चल रही है। ए तू चुप रहना, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी उससे बात क्या हो गई, तू तो कवियों की तरह मुझे कविता सुनाने लग गई। अब जा यहाँ से। ओके गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। तेरे अरे यार मैं तुझे लव प्रपोज करने में बहुत इंटेलिजेंट समझता था, लड़कियों को पटाने में तुझे रोमियो समझता था, मुझे पता नहीं था तू इसमें इतना वीक है। हमें पहले पता होता तो हम तुझे प्रिपेयर करके भेजते भाई। हाँ यार। अबे ऐसा क्या हो गया, क्या पागलों की तरह बकवास कर रहे हो तुम दोनों? नहीं तो क्या गुरु, हम लोग बस स्टॉप पर नहीं अबे, देखे थे क्या? सिर्फ बस स्टॉप पर ही नहीं, कॉलेज में भी ऐसा ही है, स्टाइल से जाता है, टाइम प्लीज ये पूछता है, वो इसे टाइम बताती है, ये उसे थैंक्स बोल के वापस चलाता है। तू इसी तरह करता रहा ना मेरे भाई, सिर्फ 3 दिन ही नहीं 3 साल बीत जाएंगे तब भी प्रीति के प्यार को नहीं पा सकेगा। ओए, तुम देखते जाओ मेरा लव प्रपोज करने का स्टाइल किस तरह से वर्कआउट होता है, उसके बाद तो हर जवान लड़का मेरा स्टाइल फॉलो करेगा। ब्लैकी फुल मूड में हो क्या? लगता है बहुत थक गए हो गुरु। अबे तूने उसका बैंड बजाया या उसने तेरी बैंड बजा दी? अबे हमें क्यों नहीं मिलती ऐसी आइटम? अरे यार थोड़ा चुप करना यार। अरे यार क्या हुआ, पूरी बात विस्तार से बताना यार। हमें अंगूर खाने को नहीं मिले, कम से कम सुन के उसका मजा लेने दे। चल तुम लोग क्यों पूछ रहे हो ये? मैं उसे लॉज में लेके गया था,
उसके बाद एक मान गई थी और तीन टीम मिल गई। आ जाओ तुम सब मेरी हो। भाई उसका पता हमें भी देना यार। अरे देना, हम दोनों जाएंगे वहां पर। हाँ दे देना। किरण देख आ गया। जरा बाहर आ जरा। उस दिन तो यह हक्का बक्का रह गया था। हाँ सही में लगता है इसको इसके वॉच मिल गई। अरे चुप ना तू। टाइम पिछड़ा स्मार्ट लग रहा है ना। ए, कल तेरा गेटअप कुछ और था, आज तेरा ये गेटअप है। तेरा सेटअप क्या है? अबे छोड़ ना यार, लड़की पढ़ाने के लिए ये सब करना पड़ता है क्या? वेट एंड वॉच दे। लड़की को पटाने का ये भी एक फंडा है। आ गया देख तेरा टाइम रोमियो। हेलो टाइम प्लीज। 9 o'clock टाइम हो रहा है। चल यार ऑटो पकड़ कर ही चलते हैं। हाँ चल चलो चलते हैं। फूल के पैसे तो दीजिए। वो घड़ी दिखा। यस मैडम जी ये लीजिए। एक्सक्यूज मी टाइम प्लीज। 9:15 मैंने ऐसा कौन सा गलत सवाल पूछ लिया जो आप लोग इस तरह से हंस रही हैं? मेरे पास घड़ी नहीं है इसलिए मैंने टाइम पूछ लिया। यार घड़ी की दुकान में आकर टाइम पूछने वाला पहला बेवकूफ देखा। प्रीति ये बस भी मिस कर दी यार, और कितनी बस मिस करेगी। चुप रहना यार। अब तक हम लोग 4 बस मिस कर चुके हैं इसलिए आज का पीरियड समझो गया। बस एक मिनट रुकना। तेरी ये टेंशन और तेरा ये इंतजार देखकर लगता है तू अरविंद का ही वेट कर रही है। अब तो ऐसा लग रहा है प्रीति के दिल में प्यार का अंकुर फूट चुका है। क्यों भाई अरविंद, तुमने हमारी प्रीति को तो 2 ही दिन में प्यार के भंवर में फंसा दिया। क्या बात है यार, वो अभी तक क्यों नहीं आया? सुनना लगता है प्रीति के दिल में भी तेरे लिए प्यार जाग गया है। देख रहा है ना तू, वो भी मेरे लिए वेट कर रही है। हेलो मैडम, इस वक्त तो 9:30 बज रहे हैं। 9:30
हेलो मिस्टर, तुम इस छिपकल के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम दोनों का ना बहुत ज्यादा हो रहा है। What is this, Aravind? डाइना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम हर रोज इसी रास्ते से आती हो ना, इसलिए। तो फिर कॉलेज तक मुझे कंपनी दोगे ना? Come on, darling. चाय दकी। अरविंद। या, yes, darling. चलो जल्दी। अरविंद, अरविंद। छे, लड़की मिलते ही मेरा साथ छोड़ दिया इसने तो यार। ये सब यहाँ क्या चक्कर चल रहा है? नहीं क्या पटा रहा, लड़की पटा रहा है। हे भगवान, प्रेम गणपति, शक्ति प्रेम गणपति, कैसे कैसों को तू लड़की देता है, एक लड़की मुझे भी दे दे। ए प्रीति, वैसे भी दो पीरियड मिस हो चुके, चल अब चलते हैं। ये कहाँ चलेगी, इसका तो उठते बैठते बस उसी पे ध्यान रहता है। चलो हम लोग चलते हैं। सभी लड़के ऐसे क्यों होते हैं, टाइम पास करने के लिए लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं। कैसे कैसे लॉजिक मैजिक दिखाकर हम जैसे लड़कियों को पटाकर प्यार के नाम पर पागल बना देते हैं। हम अपने दिल में कई सपने लेकर प्यार में उनके पीछे पागल बनकर रह जाते हैं। आखिरकार ये हम जैसे दिखने वाली सुंदर लड़कियों के पीछे क्यों पड़ जाते हैं, हमारी भावनाओं से क्यों खेलते हैं। तूने तो अपनी आँखों से देख लिया ना उस दिन क्या हुआ, फिर भी उससे प्यार करती है। मेरे पीछे पीछे आने के बाद वो ऐसा करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। देखो ऐसा करने के बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, फिर उसके लिए तेरे दिल में प्यार तो रहता ही है, ये जानने के लिए ऐसा किया है। मैं उसे चाहती हूँ ये कैसे बताऊँ। फोन करके बता दे। फोन नंबर नहीं है यार। हेलो, हेलो, अरविंद से बात कर सकता हूँ? देखिए इस नाम का ऐसा कोई यहाँ पर नहीं है। सुनिए 9916001002 नंबर यही है ना? कहा ना एक बार, ये नंबर किसी अरविंद का नहीं है। फालतू में हमें टेंशन दे। अब देखना तुम लोग। देखना सेम नंबर है। हेलो अरविंद जी है क्या? अरविंदा बिरविंदा नहीं है, रॉन्ग नंबर। सुनिए 9916001002 ये नंबर है ना? रॉन्ग नंबर। देखा ना, वो तुझे नंबर देने के लिए किस तरह आइडिया चला रहा है। इतना फोन करने के बाद भी रॉन्ग नंबर क्यों बोल रही है यार? गुरु, इसकी आईडी पे चलेगा ना तो हो गया तेरा कल्याण, समझा? सुनो, मुझे एक और चांस दो, मैं हर हाल में सक्सेस होके दिखाऊंगा, मुझे ट्राई तो करने दो। हेलो, अरविंद जी है क्या? यहाँ अरविंद नाम का कोई नहीं रहता, कहाँ ना एक बार फोन रख। ये नंबर 9916001002 ही है ना? अबे गधे, अपना मुंह बंद कर और फोन रख। उसी नंबर से बार बार फोन आ रहे, इसका मतलब ये अरविंद का ही नंबर है। तू ही ट्राई करना। एंगेज है। शिट। अरे यार रिंग हो रही है। बात कर यार। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, टाइम प्लीज। 9 बजे हैं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो। फोन पे नहीं, कल तुम मुझसे मिल सकती हो? ओके। ऐसा कुछ नहीं है, रोज रोज मैं बस स्टॉप पर आकर तुमसे टाइम पूछता रहता हूँ, इसलिए तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे कॉलेज के पास आकर तुम्हें डिस्टर्ब करके तुमसे टाइम पूछता रहता हूँ, इसलिए नाराज तो नहीं हो ना?
नहीं नहीं ऐसा कुछ तुम नहीं। तुम जहाँ कहीं भी जाती हो तुम्हारा पीछा करता हूँ और पर्टिकुलर तुमसे ही टाइम पूछता हूँ, इस बात से तो तुम नाराज नहीं हो ना? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर मैं तुमसे आई लव यू कहूँगा तो तुम मुझसे नाराज नहीं होगी ना? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पल दो पल तुम मोहलत दो, फूल जैसा ये तन बदन आज मुझको अभी दे दो, कल मुझे ना कहो फिर कभी मुझको मेरा प्यार दे दो। हुआ नहीं वो हुआ रे, खिल उठे सारे नजारे। मेरी बोली इनमें तू ही छुपा रे, सपनों की जो
मेरे कहने से पहले तूने सुन लिया रे क्या है रे? हुआ नहीं वो हुआ रे, खिल उठे सारे नजारे। कोई ना कोई चाहिए। ए, 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 ऐसे सोचते हुए क्यों खड़े हो? ए, हेलो, क्या हुआ? अबे तू जा, हमें सोचने दे। इस पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया, सबसे ब्लैक तुम ही हो गुरु, और हम लोग को देखो भूखे बीमार की तरह। ऐसी बात है क्या? बोलो क्या हुआ, बताओ ना, बताओ। अरे मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं सॉल्व करूंगा ना प्रॉब्लम। बोलो, अरे बोलो। तुम क्या करोगे गुरु? जाओ गुरु, तुम सुनोगे तो तुम भी सोच में डूब जाओगे। हम सब लोग दोस्त हैं ना, बताओ। हमारे पापा फादर है और तुम्हारी मम्मी मदर है। तेरा भाई ब्रदर है, तुम्हारी बहन सिस्टर है। और हमें देखो, हमारे पिता ड्रिंकर है और हमारी माँ भिखारिन है। हमारा भाई आवारा है, हमारी बहन। ये गधे लोग पागल जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? ए प्यारो, क्या चाहिए बताओ ना। तो फिर उस दिन रेस्टोरेंट से पिकअप किया था ना, वो आइटम का फोन नंबर और एड्रेस देना यार प्लीज। नहीं मेरे प्यारो, वो मेरा पर्सनल है। अरे यार, तुम हमारे दोस्त हो ना, तुम हमारी जान हो ना, तुम्हें हमसे प्यार नहीं है क्या? बोल ना। वो तुम लोगों को नहीं करना चाहिए यार, उसे भूल तो नहीं रहने दो। चलो, वो सुख, वो संतोष, बाप रे, वो सब मुस्तक ही रहने दो, तुम उसके हिस्सेदार मत बनो। अरे तू एक भिखारी की हालत में था, अरविंद से रिकमेंड करके हम ही ने तुझे काम पे लगवाया था, याद है तुझे? प्लीज, फिर भी ऐसा मत करो यार। ये ब्लैकी, प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज यार। अच्छा ठीक है, ठीक है, देता हूँ। ये लो। मेरे बाप प्रेम गणपति, अब इन बच्चों को तू ही बचा लेना। बिडू, उस आइटम का रूम नंबर यही है। हाँ मेरे यार, यही है रूम नंबर 1, और ये मेरा लकी नंबर भी है। एक्सक्यूज मी मैडम। यस, कम इन। वंडर ये। पर्सनालिटी में, उम्र में मैं बड़ा हूँ, इसलिए पहले मैं जाऊँगा। पहले मैं जाऊँगा। मैं यूँ गया और यूँ आया। हो गया नंबर 1। इस उम्र में तुझे ये सब चाहिए क्या? What is this nonsense?
तुम कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आती हो या लड़कों के साथ आवारा गर्दी और मजाक करने के लिए? तुम जैसों की वजह से कॉलेज का नाम बदनाम होता है। ए, रिमूव दिस फोटोज। छी। हेलो अरविंद। हिंसा से मुझे नफरत है, अहिंसा से मुझे प्यार है। प्यार के लिए मैं जान दे सकता हूँ। प्यार के बीच में अगर कोई आया ना, ए! बताना सच्चाई क्या है, इन्हें बताओ, बोल। जब वो डांस पार्टी में हिस्सा ले रही थी तब मैंने उसकी फोटो ली थी और उसके साथ मेरा अफेयर चल रहा है, मैंने ही अफवाह उड़ाई थी। सॉरी मैडम। यू इडियट, एक लड़की के साथ इतना चिप बिहेवियर करते हो? गेट आउट ऑफ माय कॉलेज। अरविंद, अरविंद, किसी ने प्रीति को किडनैप कर लिया यार। We'll be right back.
उसका भाई टेररिस्ट भी है, इस बात का तो हम लोगों को पता भी नहीं था यार। अब तो तुझे पता चल गया ना। अरे गुरु, बहुत हो गया प्यार व्यार, उसे और उसके प्यार को एक लंबी सलामी दे के सुकून से साइड हो जा तू। भले ही वो कैसी हो, उसका भाई तो एक टेररिस्ट ही है ना यार। ये भी हो सकता है वो एक सुसाइड बम हो सकता है उसका इरादा तुझे उड़ाने का हो, ये तो ऊपर वाला ही जानता है यार। अब अगर एक अल्फाज भी तेरे मुंह से निकला ना तो भूल जाऊंगा कि तुम दोस्त हो, समझा? ए, तुम लोग कैसे दोस्त हो यार? मान लिया उसका भाई टेररिस्ट है, उसमें लड़की की क्या गलती है? वो तो बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसको इससे मिलाने को छोड़कर जले हुए में और घी डाल रहे हो यार। देखो अरविंद, वो कैसी है तुम भी अच्छी तरह जानते हो। सुनो, उसे देखे हुए 2 दिन हो गए, उसकी याद नहीं आ रही क्या? वो है कहाँ, उसको पता तो लगाना चाहिए ना। सच कह रहा है यार, मेरा प्यार तो बहुत ही पाक साफ है, वो भी मुझे देखने के लिए अक्सर तड़पती रहती थी, लेकिन इस वक्त वो कहाँ पर है ये नहीं पता। मैं जानता हूँ, मैं उसका एड्रेस भी पता लगा के लाया हूँ। ये लो, ये उस गेस्ट हाउस का एड्रेस है जहाँ वो है। अरविंद, अरविंद, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम प्रीति को चाहते हो, तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? अरविंद प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे बहुत पसंद हो। अरविंद, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुमसे लड़ाई भी नहीं करूंगी, कभी गुरूर भी नहीं दिखाऊंगी, तुम्हारी बेइज्जती भी नहीं करूंगी, प्लीज मेरी बात को समझो अरविंद। देखो डायना, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, और प्लीज मुझे मजबूर मत करो, मैं अपनी प्रीति के पास जा रहा हूँ। अरविंद प्लीज यार, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, इस जन्म में तुम मुझे नहीं मिलोगे। डायना, डायना, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? क्या हुआ डायना? मैं जानती थी तुम मुझे नहीं मिलोगे, इसलिए ये तुमने क्या किया? ऐसा क्यों किया तुमने? क्या हुआ माजी? ये किसी लड़के से प्यार करती थी, हमने उसका विरोध किया तो बच्ची ने सुसाइड करने की कोशिश की। डायना, तुम्हारी क्या लगती है? मेरी फ्रेंड है, कैसी है वो? फ्रेंड है, उसे क्या हुआ? वो तो नाटक कर रही है, उसने जहर वहर कुछ नहीं पिया। देखो, ठीक से देखो, काले कोयले जैसा है ना? ए, इसकी तरह प्यार कर सकती हो? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अरविंद प्लीज। देखो, इसे देखो, इस वक्त एक स्टैचू बन चुकी है। क्या ऐसा प्यार तुम कर पाओगी? इसे कहते हैं असली प्यार, ये होते हैं सच्चे प्रेमी, एक दूसरे के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, तो आओ मेरे साथ, आओ। अरविंद, अरविंद, अरविंद प्लीज, ऐसा मत करो। चलो आओ, कूदो यहाँ से, कूदो ना, मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो ना, तो फिर सोच क्या रही हो? चलो कूदो ना, क्या हुआ, डर लग रहा है? कूदो ना, चक्कर आ रहा है, मरने से डर लग रहा है क्या? मेरे से प्यार करती हो तो कूदना मेरे साथ, चल। क्या हुआ, मुझसे बहुत प्यार है ना, तो प्यार के खातिर तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकती हो? कूदो, कूदो ना, तुझमें कोई हिम्मत नहीं है, तू सिर्फ नाटक करती है प्यार 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 करने का। चल आना कूदते हैं, आना कूदते हैं, नहीं हिम्मत हो रही ना, इसे होने वाला भी नहीं है, चल। तुझमें मतलब तेरे दिल में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है, प्यार कभी किसी खूबसूरती को देख के नहीं होता है, दिल से अपने आप ये जगता है, अंतरात्मा से ये जगता है। तेरे अंदर तो प्यार नाम की कोई चीज नहीं है, हवस, कामुकता, जवानी की भूख, इसे तूने प्यार का नाम देकर कितने प्यार करने वालों के प्यार का मजाक उड़ाया है। तू जैसे दौलतमंद लड़की को प्यार क्या होता है इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, क्योंकि तूने प्यार को कभी नजदीक से जाना ही नहीं। माँ बाप ढेर सारी दौलत कमा लेते हैं, जेब भर के पॉकेट मनी देते हैं, और उस पैसे को तुम जैसी लड़कियां मजे में उड़ा देती हैं। कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसे खरीदने की हवस, कोई नया डिजाइन का कपड़ा मार्केट में आता है तो उसे पहनकर झटक मटक कर दुनिया वालों को दिखाती हो ताकि उनकी नजर तुम पर पड़ जाए।
और अगर तुम्हें मुझ जैसा लड़का मिल गया तो अपनी जवानी की भूख मिटाने के लिए हम जैसों का इस्तेमाल करती हो। ये प्यार नहीं है, ये कामुकता है, मोह है। इसे तुम जैसी लड़कियां प्यार का नाम देकर प्यार करने वाले प्रेमियों के मुंह पर कालिख पोती हो। यह है तुम्हारा स्वभाव। पहले अपने दिल में प्यार का बीज बो कर दिखाओ। उसमें जब अंकुर फूटेगा तब तुम्हें प्यार करने वाला अपने आप ही मिल जाएगा, और तब तुम्हें पता चल जाएगा कि असली प्यार की कीमत क्या होती है। हिंसा से मुझे नफरत है, अहिंसा से मैं प्यार करता हूँ। प्यार के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। प्यार के बीच में कोई आया तो देखो, इस वक्त मैं अपने प्यार के पास जा रहा हूँ। गुड बाय। भाई आज हमारा वक्त सही नहीं है, मेरी बात मानो, हम लोग वापस चलते हैं यार। वो रुमाल वाला अभी अभी जेल से छूट कर आया है, ऊपर से इसका लव मैटर अलग। आज तेरा उनके साथ हाथापाई होना पक्का है यार। अगर उसके चंगुल में फंस गए तो वो हमारी बोटी बोटी कर देगा यार। चुपचाप मेरे साथ चलो ना। भाई तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, चलो। हे अरविंद आओ आओ बैठो यार। अरे बहन प्रीति देखो तो कौन आया है। बैठो ना यार, खड़े क्यों, पहले खाना खा लो उसके बाद बातें करेंगे। आप लोग इस तरह खड़े क्यों हैं? मैंने हम दोनों के बारे में भैया को सारी बातें बता दी हैं। मेरे भैया मेरे मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाते, है ना भैया? हाँ मेरी प्यारी गुड़िया। देखो अरविंद, मेरे माँ बाप रिश्तेदार कोई भी अपना कहने वाला नहीं है, जाति और धर्म की परवाह भी नहीं करता। मेरे लिए तो तुम दोनों की खुशी सबसे बड़ी दौलत है। फिर भी मेरी एक तमन्ना है। बताइए वो क्या है? शादी तुम चाहे जैसे रीति रिवाज से करो, जहाँ चाहे मर्जी करो, लेकिन तुम्हारे माता पिता रिश्तेदार यहाँ आकर अगर इज्जत से मेरी बहन को ले जाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये हम लोग क्या देख रहे हैं यार, ये प्रीति का भाई तो विलेन नहीं लग रहा है। हाँ यार, दोनों के माँ बाप नहीं है फिर भी प्रीति को माँ बाप से बढ़कर देख रहे हैं। अरे खाना बीच में छोड़कर क्यों उठ रहे हो, पूरा खाकर उठो। आपका डायलॉग सुनकर ही हमारा पेट भर गया सर। चुपचाप बैठ, चलो खाओ। आपके कहने के मुताबिक कोई अच्छा सा दिन देखकर अपने माँ बाप को यहाँ ले आऊंगा और फिर इसका हाथ मांगूंगा। प्रीति बहन तुमने प्यार से खीर बनाई है, अरविंद को अपने हाथों से खिलाओ। खीर की मिठास से भी बढ़कर मेरे लिए इन होठों की मिठास है। मेरे वापस आने तक याद रखने के लिए मेरी तरफ से तुम्हें यह प्यार का तोहफा।
रामा रामा रे रामा ये क्या हो गया, तेरे प्यार में दीवाना दिल खो गया, तेरी प्रीत में मजनू के जैसा हो गया, पागलपन की हद से पार हो गया। रामा रामा रे रामा ये क्या हो गया, मेरे प्यार का सिग्नल जो ग्रीन हो गया, प्यार प्यार की लिमिट को क्रॉस कर दे, आज आज मेरे साथ में डांस कर ले। रामा रामा रे रामा ये क्या हो गया, तेरे प्यार में दीवाना दिल खो गया। जुगनू बन कर रातों में मुझको तो दिखने लगी, तुझसे मिला हूँ तब से कानों में शहनाई बजने लगी। चाहे तू दीवाना आवारा मुझको या तू पागल कहे, अपने बीच में दूरी ना रहे दिल मेरा आज कहे। अच्छा तो आ जाना बातें ना बना, रेडी हे आ जाना तुझको बुलाना। ओह ये हाँ, अच्छा तो आया मैं, तू भी रेडी रे, मैं भी रेडी, तू भी रेडी, दोनों रेडी रे, मैं रेडी सानी सा। रामा रामा रे रामा ये क्या हो गया, तेरे प्यार में दीवाना दिल खो गया। रंभा के जैसी ब्यूटी है तेरी, नीलम परी तू लगे, नाजुक अंगों को मैं छू लूं तो बिजली सी चमकने लगे। कविताएं तुझ पे मैं कहने लगा, ये सारा जमाना सुने, वो आसमां जमीं भी गवाही देते तुझे के लिए हम बने। समझी ना हीरो मैं हो गई रेडी ना, अब तू ना करना थोड़ी भी देरी ना। हाँ समझा हीरोइन हो गई रेडी रे, अब ना करूंगा थोड़ी भी देरी रे, मैं रेडी सानी सा। रामा रामा रे रामा ये क्या हो गया, तेरे प्यार में दीवाना दिल खो गया। रामा रामा रे लेटेस्ट लव हो गया, हम दोनों का कास्ट अब एक हो गया, तेरी प्रीत में मजनू की तरह हो गया, पागलपन की हद से पार हो गया। ए, ये क्या तू तांडव नृत्य कर रहा है यार? अरे वो माँ बाप को लेने के लिए गया, अभी तक उसका कोई पता ही नहीं है। ओए तू बंदर की तरह क्यों नाच रहा है भाई, ठीक से खड़ा हो ना, किसी को हाथ पैर जोड़कर मना रहा होगा अपने माँ बाप की एक्टिंग करने के लिए। टेररिस्ट का घर है, अभी उसके आने के बाद पता नहीं क्या होने वाला है यार, हम लोग को अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। हाँ यार, आई आई देखो पुलिस आई यार। हाँ यार लगता है वो फरार हो गया होगा, मैंने कहा था ना पुलिस है, देखो पुलिस। अरे यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
अरे यार, ये टेरेस का घर है और टेरेस के घर में मिनिस्टर आया है। यार इधर आओ ना। ये क्या यार, बाप की एक्टिंग करने के लिए होम मिनिस्टर को ही साथ ले आया यार अरविंद। हाँ यार। अरे आओ यार। डैड, ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। जोरे वासु, तू यहाँ कैसे? इस घर की बेटी से अरविंद जी शादी कर रहे हैं ना, इसीलिए। डैडी, आप इसे जानते हैं? हाँ बेटा, इसका एहसान मैं कैसे भूल सकता हूँ। डैड, जूस लीजिए। जूस रहने दो, लड़की किधर है? आ जाएगी डैडी। सलाम वालेकुम मिनिस्टर साहब, खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना, बैठिए। हम और आप रिश्तेदार बनने वाले हैं, आराम से बैठिए, आराम से। ये शादी नहीं हो सकती। डैड, मेरे जीते जी ये शादी मैं कभी नहीं होने दूंगा। डैड, शिट, मेरे डैड को पहले से ही जानते हैं, उन्होंने ये रिश्ता क्यों ठुकरा दिया? ये सवाल मुझसे करने से अच्छा है तुम जाकर अपने पिता से करो। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी है तो जाकर अपने पिताजी से कह दो वो खुद आकर लड़की का हाथ मांगे, वरना मैं डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हें क्या बात करनी है और किस बारे में बात करनी है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस वक्त तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। घर वालों के लिए आपके पास कब फुर्सत होती है बताइए। ठीक है, मैं सबके सामने कहता हूँ, डैड आज जो आपने किया वो बिल्कुल सही नहीं किया। अच्छा सर, हम लोग चलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके सर, नमस्ते। क्या सही है और क्या गलत है यह तुमसे मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो एक मुस्लिम लड़की है, यही बताने के लिए मैं आपको वहां ले गया था। देखो बेटे, मुझे जात पात से या अमीर गरीब से कोई भेदभाव नहीं है। इस वक्त मैं एक होम मिनिस्टर हूँ। टेररिस्ट या क्रिमिनल्स को जड़ से उखाड़ने की बजाय उनसे दोस्ती और रिश्ता नहीं कर सकता। जनता क्या कहेगी, हाई कमान को क्या जवाब दूंगा? आपके इस कुर्सी का गुरूर ही मेरी बहन के प्यार का दुश्मन बन गया था। आज वो कहाँ है, कैसी है, किस हालत में है, कुछ नहीं पता। आपके घमंड की वजह से मेरी माँ भी दुनिया से चली गई। क्यों, तुम्हें वही लड़की चाहिए? तुम्हें शादी करनी है तो बोलो, एक से एक खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगवा दूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुम उसके लिए भी तैयार नहीं हो तो हमारे स्वामी जी की बेटी से शादी कर लो। तुम्हारी शादी मैं बड़ी धूमधाम से करवाऊंगा, समझे? आप ही इसे समझाइए। देखो बेटा अरविंद, तुम्हारे पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं, जरा सोच के देखो। क्या अंकल, आप तो सब कुछ जानते हैं। इन्हें अपने बेटे से ज्यादा अपनी पोजीशन से प्यार है, तो मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर लूंगा। आज तक मैं गलत फहमी में ही अपनी जिंदगी गुजार रहा था। मिनिस्टर का नाम बदनाम ना हो जाए इसलिए एक अनाथ की तरह जी रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन पिताजी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं अरविंद। डैड, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप ये शादी करवाओगे या नहीं? अगर नहीं करवाओगे तब भी ये शादी होकर रहेगी। नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी। उस लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगा। शिट। देख लिया ना किस तरह जिद करके जा रहा है। इसके भविष्य के लिए मैं कितना चिंतित रहता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। जब ये घर छोड़कर गया था तो आप ही ने इसे आश्रय दिया था, अब आप ही इसे समझाइए। Thank you.
दोनों की शादी के बारे में तुम्हारे डैडी ने क्या कहा? सुनना, तू इतना खामोश क्यों बैठा है? कुछ तो बोल। अगर तुम इस तरह खामोश रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। प्लीज बताओ ना। अरे यार, कुछ तो बोल। क्या हुआ, बता ना यार। सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं यार। मेरे पिताजी हमारी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बेटे के भी प्यार से बढ़कर उन्हें अपनी कुर्सी की लालच बहुत ज्यादा है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अब मैं खुद ही उसके घर जाके उसे ले आऊंगा और उसे शादी कर लूंगा। जिसको जो करना है वो कर ले। अरविंद, तुम्हारे हर फैसले में हम लोग तुम्हारे साथ हैं। बोलो क्या कहते हो? हाँ यार, हम तेरे साथ हैं। हम लोग तेरे साथ हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम लोगों में से कोई नहीं आएगा। तुम लोग जाकर शादी की तैयारी करो, मैं अकेले ही जाकर उसे ले आता हूँ। भाई का ये हुक्म है कि तुम अकेले आए तो तुम्हें अंदर ना जाने दिया जाए। देख, तुझे सीधी तरह से समझा रहे हैं, चला जाए यहां से। चल जा। नफरत करता हूं, अहिंसा से प्यार करता हूं, प्यार में जान दे भी सकता हूं, प्यार के बीच में अगर कोई आया तो। तेरे प्यार के बीच कोई आया तो क्या कर लेगा? ए, क्या कर लेगा बे तू? देखो, ए, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, तेरे पिता इज्जत से आकर मेरी बहन का हाथ मांगेंगे तो मैं उसे खुशी खुशी विदा कर दूंगा। प्रीति से प्यार मैंने किया है, मैंने, मेरे पिताजी ने नहीं। उधर वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, यहाँ आप अपनी जिद पकड़े हुए हैं। कोई भी मेरे प्यार के बीच में आया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। ए, प्यार की भाषा समझ में नहीं आती क्या? चल जाए उसे। वो मेरी बहन है बे, तू प्रीति को आवाज देगा और वो भागकर तेरे पीछे आ जाएगी क्या? अरे चल जाना। नहीं, क्यों रे, बहुत गुस्सा आ रहा है? मुझे मारना चाहता है तो मारना, मारना, चल मारना। मार। मैंने मारा तो तू मर जाएगा, लेकिन मैं नहीं मारूंगा। जानते हो क्यों? अगर यहां मारूंगा तो यहां दुखेगा, नहीं समझे ना? यहां पर है तुम्हारी बहन, मेरा प्यार। छोड़ो रास्ता। अरे मेरा प्यार कहके क्या बकवास कर रहा है?
ये सोच ले कि तुझे प्यार हुआ ही नहीं, समझ ले कि मेरी बहन तुझसे प्यार नहीं करती। आज तक तुम दोनों के बीच में जो भी था उसे सपना समझ ले। समझ ले कि मेरी बहन ने तुझसे प्यार का नाटक किया था। देखो, मुझे तुम्हारे उपदेश मानने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरी प्रीति चाहिए, बस हटो यहाँ से। प्रीति, प्रीति सुन लिया तेरा भाई क्या कह रहा है? कह रहा है कि समझ लो मैं तुझसे प्यार ही नहीं करता हूँ, हम दोनों का प्यार बस एक सपना है, ये एक नाटक है प्रीति, ये एक नाटक है। आओ प्रीति आओ। मैं समझ रहा था तुम्हारा भाई बड़ा दिल वाला है, लेकिन अभी समझ में आया कि ये भी औरों की तरह प्यार का दुश्मन है, प्यार का दुश्मन, क्योंकि आखिर है तो एक आतंकवादी, इंसानियत का दुश्मन, सैकड़ों की जान लेने वाला एक देशद्रोही। ये कैसे हमारे प्यार को मानेगा प्रीति, कैसे मानेगा बताओ। अगर दोबारा अपनी गंदी जुबान से एक अल्फाज भी मेरे भाई के खिलाफ निकाला ना, कौन है तू? तू है कौन? मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, कभी किया भी नहीं है। तू कोई सपना देख रहा है, चल निकल यहाँ से। सलीम भाई इसे यहाँ से बाहर निकालो, चलो भैया। ऐसा टूटा मर मर के मैं जीता, मुझे याद आई बीती बरसात की वो रातें, मुझे चैन था तभी तू ना पास है अभी। मन आंगन की बन चांदनी, बन जीवन की तू रागनी, सुन रहा पारे अब नहीं जीना रे। मेरा दिल ऐसा टूटा मर मर के मैं जीता। प्यार पागल है रे, तू ना जाने बेदर्दी है, मैं तो प्रेम सागर में डूब ही गया। मेरा प्यार पागल है रे, तू ना जाने बेदर्दी है, मैं तो प्रेम सागर में डूब ही गया। कैसे सहूं मैं दुख इतना, मुझको किनारा ना दिखे, मेरे दिल की नादानी ना जाने ये क्या करे, सुर संगीत ही ना रहे। मेरा दिल ऐसा टूटा मर मर के मैं जी। प्यार मीठा मीठा जहर जैसा था जाना, जिसको मैं तो भूल से पीता ही गया। तेरा प्यार मीठा मीठा जहर जैसा था जाना, जिसको मैं तो भूल से पीता ही गया। मेरा विश्वास विश्व बना, तुझको मैंने ऐसा ना समझा था, मेरे दिल के इस दर्द को ना तूने ही समझा, सुर संगीत ही रूठा।
टूटा रे मेरा दिल ऐसा टूटा मर मर के मैं जीता मेरा दिल ऐसा टूटा मर मर के मैं जीता मुझे याद आई बीती बरसात की वो रातें मुझे चैन था तभी तू ना पास है अभी मन आंगन की बन चांदनी बन जीवन की तू रागनी सुन रहा पारे अब नहीं जीना रे मेरा दिल ऐसा टूटा मर मर के मैं जीता क्या यार तू सबको समझाता है और खुद ऐसा कर रहा है चल घर चलते हैं घर कौन सा घर घमंडी होम मिनिस्टर का घर या प्यार से दूर रहने वाला वही पुराना मेरा बैचलर घर देख भाई सब ठीक हो जाएगा चल चलते हैं क्या ठीक हो जाएगा क्या ठीक हो जाएगा बोल मेरे इस टूटे हुए दिल में प्रीति बसी है उसके बिना मेरा ये दिल पता नहीं और कितने टुकड़ों में बिखरने वाला है उसके बिना मैं जी नहीं सकता मेरा दिल टूट चुका है लेकिन क्या हुआ अबे बेवड़े की औलाद तू क्या समझता है मुझे बोतल खोलने नहीं आती है अबे सुन इस बोतल को खोलने से पहले नीचे से ठोका जाता है ठोका जाता है बच्चे नीचे से ठोका जाता है मैं इसे पूरा अंदर लेने के बाद ठोकना शुरू करता हूँ तेरी चटनी होने तक मैं तुझे ठोकता ही रहूंगा समझा मुझे अर्जेंट फोन करके क्यों बुलाया ये सुबह से ऐसे ही पी रहा है कम से कम तुम तो समझो डाना अरविंद तू जो कुछ भी कर रहा है वो सही नहीं है यार ट्राई नॉट डार्लिंग तुमने बिल्कुल सही कहा था इस जमीन पर प्यार अपनापन सब झूठी माया है सेक्स ही बिल्कुल सही है सेक्स इज करेक्ट पैसे के साथ प्यार करना चाहिए फिर तुम जैसी लड़कियों को पटाना चाहिए फिर जी भर के पीना चाहिए खाना चाहिए और मजा करना चाहिए प्यार के पीछे जो पागल बन जाता है आखिर में उसे क्या मिलता है यार लेकिन इसमें जो मजा है ना वो तो मस्त मजा है बढ़िया तुम ऐसा क्यों कह रहे हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ठीक है मैं कल प्रीति से बात करूंगी चलो चलते हैं उठो अरे उठो अरविंद जा रही है मुझे चलो अरे संभल कर अरविंद छोड़ो मुझे छोड़ो अरे छोड़ो ए भिखारी Shanta, Kalo, and Bagamot. Together we run the east, west, the north, and south. Make them know so that them can't get me out. Anything that them hear, I will talk about. Action, talk, Kalo, and Bagamot. Together we run the east, west, the north, and south. इस लड़की का क्या हुआ? बस स्टैंड से रोज लड़की उठाता था, क्वार्टर मार के डेली मजा करता। उनके श्रृंगार के पीछे लौटकर मेरा ये हाल हो गया। प्यार से मांगो तो तुम अच्छी लड़की देते हो और हवस की भूख से मांगे तो इस तरह की सजा देते हो यू आर ग्रेट गणपति यू आर ग्रेट फुल प्रीति रुक जाओ तुम उसके प्यार को क्यों ठुकरा रही हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो एक मिनिस्टर का बेटा है यह बात तुमसे उसने छुपाई इसलिए ना प्लीज देखो मैं पहले से बहुत परेशान हूँ भगवान के लिए तुम यहाँ से चली जाओ नहीं नहीं जाऊंगी तुम अपने भाई के प्यार की वजह से उसके प्यार को ठुकरा रही हो ना सही कहा ना तुम इस तरह की बातें करके मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो प्लीज प्रीति तुमने उस दिन किसकी वजह से ऐसा कहा था ये मैं जानती हूँ आज हिम्मत करके मेरे साथ चलो तुम्हें चलना ही होगा चलकर अरविंद के सामने खड़े होकर कहो कि तुम उससे प्यार नहीं करती एक बार नहीं कहूंगी 100 बार कहूंगी अब तुम जा सकती हो मेरे साथ ऐसा क्यों किया प्रीति ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी इतनी बड़ी सजा दे दी
प्यार नाम के माया जाल में तुमने मुझे फंसाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। प्रीति, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस संसार में प्यार का एक ऊंचा स्थान होता है और आज तुमने उसकी समाधि बना दी। प्रीति, उसकी समाधि बना दी। प्यार को तुमने कलंकित कर, प्यार करने वालों की दुनिया में तुम्हें काला धब्बा बन गई हो, काला धब्बा। प्रीति, मैं तुझे इतना भला बुरा कह रहा हूँ और तुम खामोश खड़ी हो। बोलो प्रीति, ऐसा क्यों किया? बोलो क्यों किया ऐसा? देखो अरविंद, ये मेरे और इसके बीच का मामला है, तू बीच में मत बोल। कुछ बोलो प्रीति, कुछ तो बोलो। तुम नहीं बोलोगी, मैं जानता हूँ। कल जो बात कही थी वो प्रीति ने नहीं कही थी, बल्कि प्यार के किसी दुश्मन ने तुमसे ये बात बुलवाई थी। अरविंद, मैं फिर से समझा देती हूँ, मुझसे जो कहना है कहो। मेरे भैया के खिलाफ एक अल्फाज भी तुमने कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा देखा, तूने ही बता दिया ना, तेरे अंदर इंसानियत नहीं है। तू नहीं प्रीति, सिर्फ तू ही नहीं, तेरा भाई भी ऐसा ही है। तेरा भाई नहीं, तेरा पूरा खानदान ऐसा ही है। प्यार क्या होता है ये ना जानने वाले जंगली जानवर हो तुम। तुम लोगों के सीने में जो दिल है वो पत्थर का है। इतना सब सुनने के बाद भी तुम खामोश खड़ी हो। प्यार नाम की भयानक बीमारी मुझे देखकर हमेशा खुशियों से लहराने वाले शांत सागर की तरह दिल में जहर घोलकर मेरी सांसों को ही मेरा दुश्मन बना दिया। अरविंद, अरविंद, तू हमारी बच्ची का हाथ उठा रहा है। अब तेरी जुबान से एक अल्फाज भी निकला तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी प्यारी सी गुड़िया पे हाथ उठाया। प्यार का दूसरा नाम है इनका परिवार। अभी तूने कहा ना, जालिम, टेररिस्ट, जानवर। मेरे मालिक शिवाली, शिवाली खान, प्रीति का दूसरा नाम वो है। प्रीति और ममता के सागर का दूसरा नाम जानता है? मिर्जा बेगम। हाँ, मिर्जा बेगम। अम्मा, इसको पुलिस के हवाले कर दो। नाबालिग लड़की के ऊपर अत्याचार साबित हो गया तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, तब ऐसे लोगों को अकल आएगी। मिर्जा बेगम, हो सकता है इसे अनजाने में भूल हो गई हो। इसने लड़की की इज्जत तो खराब नहीं की ना, और अगर कहीं इसने ऐसा अनर्थ कर दिया होता तो ये सजा का हकदार जरूर था। कुछ भी हो है तो हमारे मजहब का ही ना। क्या है ये, बोलो। बहन जी, कुछ दिन पहले मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ। तुम्हारी इस किडनी के ऑपरेशन की वजह से ही आज तुम यहाँ पर जिंदा खड़े हो। हाँ बहन। ये तुम जानते हो कौन है वो? मेरा एक रिश्तेदार। उसने दी है क्या? वो कौन है? मेरा छोटा लड़का। तो खून का रिश्ता है, एक ही खून और एक ही मजहब। उसने दिया क्यों? तुम जानते हो ये कौन है? हाँ तो बताओ ये कौन बंगा है? बहन, राम भैया की बेटी। तुम्हारी बेटी है क्या? या तुम्हारी बहन है? या तुम्हारे खानदान या तुम्हारे धर्म की है? बिल्कुल नहीं। उस दिन तुम्हारी किडनी सड़कर तुम मर रहे थे तो इसी ने आकर तुम्हें किडनी देकर तुम्हारी जिंदगी बचाई है। अगर ये सोच लेती कि तुम मुस्लिम हो ये हिंदू है तो सोचो उस दिन तुम्हारा क्या होता। तुम्हारी तो मौत हो गई होती और तुम्हारा ये शरीर कब्र में होता। लेकिन इसने ऐसा कभी नहीं सोचा। इसने सिर्फ यही सोचा कि हम सब इंसान हैं, इंसानियत, ममता, प्यार, अपनापन लेकर हम लोग इस दुनिया में आए हैं। अगर कोई इंसान किसी के बुरे वक्त में इंसानियत छोड़कर मजहब दिखाए तो उसे हैवानियत कहते हैं। ऐसे समाज के लिए एक मिसाल बनी हुई ये गंगा बहन सच में इस समाज की एक सम्मानित औरत है। इसे देखकर सिर्फ मैं और तुम लोग ही नहीं, हर जाति पाति भेदभाव के नाम पर दूसरों की जिंदगी से खेलने वाले सैकड़ों लोगों को भी और नेताओं को भी इससे सबक लेना चाहिए। यही हमारा फर्ज है। जी, माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गए। इसे जो सजा देनी है दीजिए। हे तेरी तो, हराम खोर साले, चल इधर आ, इधर आ। नहीं बाबा, ये बहन जो भी सजा देंगे तो जैसे जालिम के लिए सही होगी। अपनी जिंदगी के 60 बरस की उम्र में झांके बिना 60 साल का बूढ़ा 9 साल की बच्ची पर अत्याचार करता है। 18 साल का एक छोटा लड़का 60 साल की बुढ़िया पर अत्याचार कर आज के लोग कामुकता के जोश में अंधे होकर जगह जगह पर हैवानियत करते रहते हैं क्यों? जिस दिल में प्यार बसा होता है, हवस के भूख को क्यों जगह देते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एक विवाहिता बीवी को छोड़कर पराई स्त्री को
एक माँ बहन बेटी के रूप में हर मर्द को देखना चाहिए, तभी तभी जाकर आज के सजा का अर्थ निकलेगा। अम्मा 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 अम्मा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए अम्मा, मैं आपके पैर पड़ता हूँ माँ, मुझे माफ कर दीजिए अम्मा। करने के बाद माफी मांगने से क्या फायदा, हैवानियत करने से पहले ही सोचना चाहिए था, हमसे दोबारा ऐसी गलती ना हो, ऐसे रहो। चोट लगने के बाद उसे ठीक करने के लिए इलाज तो करना ही पड़ता है ना। अरब देश में झूठ बोलने वाले की जुबान काट दी जाती है, चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते हैं, इज्जत लूटने वालों की नस काट दी जाती है। तेरी भी यही सजा है, ए, ले जाओ इसे यहाँ से। जिंदगी भर अपने गुनाहों का बोझ सर पर ढोते हुए शर्मसार होकर जीना होगा, ले जाओ इसे। ए, चलो इसे। अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। इसके जैसे शैतानों को कुत्ते की मौत मारना चाहिए। कुत्ते की मौत मारना चाहिए। रुको, इससे बढ़कर इसके लिए कोई सजा नहीं, कोई भी नहीं। सुनो, अब ये इंसान बन गया है, सुन रहे, आज के बाद तुम मेरे घर पर रहेगा, मेरे बेटे के साथ रहेगा, ले जाओ इसे अपने साथ। बहन जी, गुनहगार को सजा भी आप देती हैं, सजा देने के बाद उसके सर पर हाथ रखकर सहारा भी आप देती हैं, आप सचमुच में बहुत महान हैं। मिर्जा बेगम, आइए भाई साहब, अंदर बैठकर बात करते हैं। नहीं, इस जनता के सामने ही मुझे न्याय दिलवाइए। आपके गांव का एक लड़का मेरी बेटी को भगा कर लाया है, मेरी बेटी को आप ही उसके चंगुल से छुड़ाकर मेरे साथ भेजिए। देखिए भाई साहब, किसी भी लड़की को जबरदस्ती उठाकर अगर हमने घर में लाकर रखा हो तो आप बेशक ले जा सकते हैं, लेकिन वो अगर अपनी मर्जी से आई है तो उस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्रेमा, प्रेमा, प्रेमा सुन रही हो, तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं जबरदस्ती लेकर आया हूँ, अब सच क्या है तुम ही ने बता दो। देखिए पापा, मैं बालिग हूँ, मैं इनसे प्यार करती हूँ, वो भी अपनी जान से भी ज्यादा, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, अब मैं इनकी धर्मपत्नी बन चुकी हूँ, अब मेरे सुख दुख दर्द आराम इनके साथ ही गुजरेंगे, यही मेरा फैसला है, आप जाइए पापा। प्रेमा, मुझे बताए बिना और बगैर सोचे समझे तू यहाँ भाग कर आ गई, जबकि मैं तेरी शादी मेरे गुरुजी के बेटे से करना चाहता था, तू इसके साथ शादी करके कैसे खुश रहती है मैं भी देखता हूँ। भाई साहब, राजनीति में रहने वाले एक मशहूर एमएलए के जुबान से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, ये बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो क्या, आज से मैं यही समझूंगा कि मेरी बेटी मेरे लिए मर गई है। आप लोग चुप रहिए, मैं इसे समझाती हूँ, क्या हुआ बेटा, कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहते रहेंगे ना? देखो, तुम्हें जब भी छुट्टी मिलेगी तुम यहाँ पर आते रहना। मेरी गुड़िया मान जाओ, हम लोग भी तुझसे मिले हमेशा आया करेंगे। बहन बहन मान जाओ ना, बहन रुक जाओ, बहन मान लो, सबकी बात मान लो ना, इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं है बहन, तुम कॉलेज में पढ़ने के लिए जाओ बहन। चुप रहो, क्यों मेरी बच्ची को सता रहे हो, मान जाओ ना। भाभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अकेली को दूर भेज कर तुम लोग सब यहाँ साथ मिलकर मजे से रहोगे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी भाभी। अरे रे पगली, तू इतनी सी बात पर नाराज थी क्या, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ठीक है, किशन वहाँ तुम्हारे साथ रहेगा।
इस्लाम धर्म में पैदा होकर हिंदुओं के मंदिर को आप बनवा रहे हैं, इसका मतलब हमारे पवित्र भारत में हर एक भारतीय को आप जो कर रहे हैं इस काम को देखकर सच में गर्व होना चाहिए। मेरे दादा परदादा उस जमाने में हर मुसीबत को झेलकर इस भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए आजादी की लड़ाई लड़े हैं, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। अच्छा, मैं परसों ही एक बात पूछना चाहता था, वैसे अपने लड़के का नाम शिवाली खान क्यों रखा है? मैं बताती हूँ भैया, मेरी तीन बेटियाँ हैं। भगवान शिव से एक लड़का मांगा था, 15 साल के बाद भगवान ने मेरी सुन ली, इसलिए शिव जी के नाम पर ही अपने बेटे का नाम शिवाली खान रख दिया। उसके बाद मैंने एक और बेटी को जन्म दिया, उसका नाम प्रीति रखा। कब आए अंकल, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटी। डैडी कैसे हैं? डैडी अच्छे हैं बेटा। प्रेमा, तुम्हारे पिताजी के दिल में जो नाराजगी है वो अब भी कम नहीं हुई है, इसलिए अपने आदमी को सतर्क रहने के लिए बोलो। पहले बताइए तो क्यों मार रहे हैं सबको? हैदर और ग्लास से तेरा क्या संबंध है ये बता। तेरे साथी कौन कौन है और कहाँ कहाँ है बता। ये मत समझना कि तुम लोग बच जाओगे, समझे? आप हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं साहब, तेरा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्लीज सर, मेरी बात को समझिए। मैं सच कह रहा हूँ साहब, एक बार मेरी बात सुन लीजिए साहब। आपसे किसी ने गलत खबर दी है सर, छोड़ दिया मुझे, छोड़िए। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर, खुद को बहुत बड़े देशभक्त बताती हो और खुद का ही बेटा इतना बड़ा टेररिस्ट है। ये लोग नाटक कर रहे हैं, इनकी सब सच्चाई सामने आ गई है, ये बहुत शरीफ बनती है। थू, निकाल रहे ऐसे लोगों पर। अरे पैसे कमाने के और भी रास्ते हैं, तुम्हें यही रास्ता मिला था क्या? इस तरह से पैसा कमाने से तो अच्छा है घर में चार जवान औरतें, उनसे धंधा करवा लेती। हम से लोगों की जिंदगी से खेलने वाले लोगों के घर का नमक खाने से बेहतर है जहर पी के मर जाना। मारो, मारो, छोड़ना नहीं, मारो, मारो, जीवन को छोड़ो, मारो, मारो, छोड़ना नहीं। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, दूध दो ना। यहाँ हम जीते जी मर रहे हैं, तुझे दूध की पड़ी हुई है? नानी माँ, नानी माँ, मुझे जोर से भूख लगी है, पीने के लिए दूध दो ना नानी माँ। तुझे दूध चाहिए ना गुड़िया? मैं देती हूँ बेटा, मैं देती हूँ। बचा ही क्या है बेटा, सिर्फ तुझे ही क्यों, सबको देती हूँ। अल्लाह क्या हो गया वाले चुप रहो सब लोग, तुम लोगों की नौटंकी से हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो रहा है, आंसू बहा रहे हो। वाले हमें छोड़कर तो अल्लाह।
भाई। प्रीति 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 क्या हो गया? प्रीति 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 भैया मौन के शरणादलो भूमिताई। प्रीति प्रीति संभालो अपने आप को संभालो प्रीति। हटो, मुझे हाथ मत लगाना। प्रीति 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 मैंने कहा ना छुओ मत मुझे। ये सब के लिए जिम्मेदार तुम्हारे पिताजी हैं। मेरे भैया तुम्हारी बहन से प्यार करके शादी की इस छोटी सी भूल की वजह से 18 गांव में इज्जत से और शान से जीने वाले हमारे खानदान को देशद्रोह का इल्जाम लगाकर मेरे भाई को टेररिस्ट बोलकर हमारे घर को कब्रिस्तान बना दिया तुम्हारे पिताजी ने। और मैं तो हर कोई हमारे खानदान का नाम सुनता था तो इज्जत से सर झुका लेता था। वो इज्जत किस तरह तबाह हुई इसका तुम्हें एहसास भी नहीं है। तुम्हें पता चलना चाहिए, तुम्हें इस दर्द का एहसास होना चाहिए। इस प्रीति से प्यार करके इस प्रीति का प्यार खोकर प्यार में पागल होकर सड़कों पे पागल की तरह भटकोगे तुम। तब तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा जिस दुश्मन ने हमें नाद किया जब वो अपने बेटे को पागलों की तरह भटकते हुए देखेगा तब उसे एहसास होगा और तब वो समझेगा कि उसकी करने की सजा उसके बेटे को मिली है। तब वो तड़प तड़प कर मरेगा, वो ऐसे ही मरेगा। अब तुम समझ जाओगे प्रीति का बदला बहुत डिफरेंट है ना। प्रीति क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक पल के लिए भी प्यार नहीं जगा? प्यार? अरे पगले, तू स्टाइल से आके टाइम पूछेगा तो क्या मेरे दिल में प्यार जग जाएगा? तूने क्या समझ रखा है ये लड़की इतनी चीप है? ये सब प्री प्लांट गेम है समझा? अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है पता है तुझे? कितने जासूस तेरे पीछे छोड़ रखे हैं। तू जहाँ जहाँ भी जाता था मैं तेरे साये की तरह तेरा पीछा करती थी। उस दिन आश्रम के पास तूने समझा होगा कि हम लोग अचानक ही टकरा गए। नहीं प्यारे, मैंने तुझे जानबूझकर टक्कर मारी थी लेकिन उस दिन ठीक से तुम्हारी आंखों में मैं समा नहीं पाई। फिर मैंने पार्टी में तुम्हें टक्कर मारी। उस दिन तू मेरे प्यार के जाल में फंसा। माँ, भाभी, प्रीति, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, किसी भी दिन कोई भी पल इस पागल के लिए रत्ती भर का भी प्यार तुम्हारे दिल में जगा था या नहीं? बोलो प्रीति, क्या मैं तुम्हारे प्यार के बिल्कुल काबिल नहीं हूँ? बताओ ना प्रीति, बताओ। स्वामी जी प्रसाद दीजिए। ये लीजिए।
me? Yes. Time, please. 9 o'clock. अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो तुम नाराज तो नहीं होगी? किस सोच में डूबी हो? बोलो बेटी। पापा, आप इतना बड़ा विश्वासघात करेंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपने स्वार्थ के लिए मिनिस्टर अंकल ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया ना पापा। आप उनके साथ थे ना, आपने ऐसे कैसे होने दिया? नहीं बेटा, नहीं। उस परिवार की मौत के जिम्मेदार मिनिस्टर साहब नहीं हैं। यादव, यादव, मैं हूं बेटा, इधर देखो। नहीं, मैं तुम्हारा बाप मुझे विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है। तुम पुलिस वाले हो, तुम पुलिस वाले हो, तुम मेरे बाप नहीं हो, तुम मुझे मारने आए हो, मेरे गुनाहों की सजा देने आए हो। देखो, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मुझे पता है तुम मुझे मार दोगे। मैंने मैंने मिर्जा बेगम के परिवार को बर्बाद किया है, इसलिए तुम मुझे मार दोगे। यादव, यादव, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। यहाँ देखो, मुझे देखो, मैं हूँ। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता। मेरी तरफ देखो। पापा, 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 मुझे किसी तरह बचा लो पापा। नहीं, मैंने उसके दौलत पाने के लिए यह सारा गेम खेला था। महादानी, मेरे पिता, तुम्हारी वजह से आज मैं देशद्रोही बन के रह गया हूँ। इस सुंदरी कोठरी में जीवन गुजार रहा हूँ। यादव, यादव, क्या हुआ तुम्हें बेटा? अब क्या बाकी है? दौलत की लालच में मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूँ, कर चुका हूँ। आपकी फ्रेंड एमएलए की लड़की की शादी अगर मुझसे हो जाती तो मेरा यह हाल कभी नहीं होता, लेकिन मेरी शादी उससे नहीं हुई, नहीं हुई। जा, 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 जा। तुम उसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ, तुम जाओ। मैंने बोला ना जाओ। मुझे 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 मरना होगा। ये लो, पुलिस के हाथों मरने से अच्छा है कि तुम मुझे मार दो, मार दो, मार दो, मार दो, मुझे मार दो, मार दो, शूट करो, शूट करो। यादव, यादव, वक्त अब भी हाथ से नहीं निकला है बेटा। पुलिस की आंखों से तू बच के निकल जा, बच के निकल जा बेटा, बच के निकल जा। बच के निकल जाओ, बच के निकल जाओ। निकल जाऊंगा मैं, कल सुबह देश के हर चैनल में आपके लड़के की फोटो हीरो की तरह दिखाएंगे। तब उसे देख ये जनता
द ग्रेट अनाथ आश्रम चलाने वाले दत्तो स्वामी के लड़के की जिंदगी पर थू करेंगे। ये सब चाहिए क्या आपको? पापा 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 आप अपने हाथों से मार दीजिए, आप अपने हाथों से मुझे मार दीजिए, मुझे मार दीजिए, शूट कर दीजिए पापा, शूट कर दीजिए, मुझे मार दीजिए पापा, मुझे मार दीजिए, मुझे मार दीजिए। यादव भैया। हाँ बहन। मैं तुम्हारी जान हूँ ना? सिर्फ जान नहीं, जान से भी बढ़कर हो मेरी गुड़िया। तो फिर मुझे मेरे अरविंद से अब दूर मत करो भैया, हम दोनों को एक कर दो ना। ये क्या कह रही हो बहन, तुम उसे भूल जाओ बहन। आंखें बंद करता हूं तो मुझे नींद नहीं आती, हमेशा यही सोचता रहता हूं कि अरविंद के पिता ने मुझे जो जख्म दिए हैं उसे किस तरह से मैं उसे वापस लौटाऊं। अरविंद के पिता ने जो गलती की है उसकी सजा अरविंद को देना, ये कहां का इंसाफ है भैया? प्रीति तुम इस तरह की बातें कर रही हो? नहीं प्रीति, तुम्हें उस पर दया नहीं आनी चाहिए। बदले की आग में जब तक बाप बेटे को जिंदा नहीं जला देते ना, तब तक ये आग नहीं ठंडी होनी चाहिए। बस वाह, इस मैटर में तू अपनी टांग मत अड़ा, ये मेरे और मेरे भैया के बीच की बात है, समझा? प्रीति, मैंने इस घर का नमक खाया है, हमें बदला लेने के लिए उस अरविंद को तेरी याद में तड़पा तड़पा के मारना है और उसे देखकर हमें खुश होना है। दोबारा एक भी शब्द मेरे अरविंद के खिलाफ कहा ना। कौन है तू? हमारे घर में काम करने वाला एक मामूली नौकर है तू। प्रीति। जानती है किसके ऊपर हाथ उठाया? किसे कुत्ता कह रही हो तुम? जब मैं जेल में था और जब तुम अकेली थी, तब माँ बहन भाई बनकर यही तुम्हारे साथ रहा था, तुम इसे कुत्ता कह रही हो? जिससे बदला लेने के लिए तुम निकली थी, आज तुम उसी के प्यार के जाल में फंस चुकी हो। उसके प्यार में अंधी होकर हम लोग तुझे कुत्ते नजर आने लगे हैं। शांत हो जाओ भाई, उसे प्यार से मना लो। प्रीति, आज आपने मुझे मारा भैया, अपनी लाडली बहन के ऊपर आज आपने हाथ उठाया। नहीं मेरी गुड़िया, तू ही मेरे लिए सब कुछ है, मुझसे भूल हो गई। मारो मारो मुझे, मारो, मैं पापी हूँ, मुझे मारो मारो। प्रीति तुम जैसा चाहती हो मैं अरविंद के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा, बता मेरे सिवा तेरा कौन है? कल कोर्ट में गवाह मेरे खिलाफ गवाही दे सकते हैं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। कोई भी तुम्हें सलाखों के पीछे नहीं ढकेल सकता, सच मानो तुम गुनहगार नहीं हो, इसके लिए जिम्मेदार है। शाबाश, सुपर सेंटीमेंट। देखो तुम कैसे करोगे मुझे पता नहीं, मैं और मेरा गैंग पुलिस की नजरों से बचते बचाते कुछ दिन सुकून से रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये तुम्हारा अनाथ आश्रम और उन बच्चों को इस दुनिया से उठा देंगे और ब्लास्ट करके उड़ा दूंगा। मेरे पापा उनके दबाव में आ गए थे, मैं अरविंद तक ये मैसेज पहुंचा दूंगी। और कल प्रीति का हाथ अरविंद के हाथ में देने का काम मैं करूंगी। बाहर आओगे? सलीम, यह हमें कहां ले आया? आज के फंक्शन में हैदराबाद ब्लास्ट में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, यह बात दत्ता स्वामी कहने वाला है और अपने गुनाह भी कबूल करने वाला है। एक मिनट के लिए बाहर तो आओ भाई। भाई दत्ता स्वामी गुनाहगार साबित हुआ तो आप बेगुनाह साबित हो जाएंगे और छूट जाएंगे, लेकिन आपके पीठ के पीछे मान लो कोई आपका ही अपना आदमी टेररिस्ट को सपोर्ट करता है तो क्या नहीं हो सकता? ए, सलीम तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हेलो प्रीति। हाँ हाँ हाँ, मैं गलती ही कर रहा हूँ। हेलो प्रीति, कुछ बोलो प्रीति। देखो
देखो, 3 सालों से मैं सर पर कफन बांधकर जी रहा हूं, अपनी मर्दानगी खोकर, ना मर्द बनकर जीने के लिए। जिसने मुझे मजबूर किया वो तेरी माँ है। उसी दिन से मैं बदला लेने के लिए सोच लिया था। इसका मतलब इन सब का जिम्मेदार? हाँ, मैं हूँ। अम्मा, अम्मा। क्या बात है सलीम? आपने कहा था ना, शिवरात्रि से पहले मंदिर का काम पूरा हो जाना चाहिए, इसीलिए तंजावुर से शिल्पकार को लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा किया, इन सब के रहने का इंतजाम कर दिया क्या? और सारे इंतजाम तो कर दिया है मैंने, सिर्फ इन तीनों को रहने का इंतजाम करना है। तो फिर तुम एक काम करो, इन सब के रहने का इंतजाम हमारे आउट हाउस में कर दो। ठीक है अम्मा, आइए आइए आप लोग आइए। मैंने किया था, मैंने एमएलए का चमचा और उसके पीए को अपने साथ मिलाकर तुम्हारे घर में ही टेररिस्ट रहते हैं और इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। इस बात को पुलिस डिपार्टमेंट को मैंने ही बताकर रेड डलवाया था। कौन है तुम्हारे साथ? कुछ तो बोलो प्रीति। प्रीति, हेलो हेलो। कैसा लगा तुम्हें? जी हाँ, अब कितनी देर तक ऐसे हाथ बांधकर गुलामी करता रहूंगा? अपन को भी तो अपनी लाइफ सेट करनी है। तू है तुम लोगों की जिंदगी पर। टुकड़ों पे पलने वाले कुत्तों से भी गए गुजरे हो तुम लोग। हमें 9 महीने कोख में रखकर जन्म देने वाली माँ को भी जब नहीं पहचान पाए, तो फिर 200 करोड़ की आबादी वाली भारत माता को तुम लोग क्या खाक पहचानोगे? तुम जैसे लोगों को तो देखते ही टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। इंसानियत छोड़कर पैसे के पीछे हैवानियत करने वाले कुत्तों। खामोश। क्या है, भारत माँ की संतान कह रहे हो ना? पहले तुम लोग आपस में ही एक होके देखो साले। प्रीति, हिंदुस्तानियों को देखते ही हमें अच्छा नहीं लगता, पाकिस्तानियों को देखना तुम लोग पसंद नहीं करते। आंध्रा में देख लो, तेलंगाना के लिए आपस में खून बहा रहे हैं। महाराष्ट्र में देख लो, जाति मजहब के नाम पर हमेशा ही लड़ते हैं। और इधर तुम ये पार्टी वो पार्टी करके आपस में क्यों लड़ते रहते हो? अब सिर्फ दो दिन बाद धज्जियां उड़ा दूंगा, चीथड़े चीथड़े उड़ा दूंगा। एक माँ के 5 बेटे होते हैं, वो आपस में अक्सर लड़ते भी हैं, लेकिन उनकी माँ को अगर कोई भला बुरा कह दे या उनके सामने उसकी बेइज्जती कर दे तो 5ों मिलकर उसकी समाधि बना देते हैं। हम भारत माता की संतान हैं, अगर किसी ने हमारी माता पर बुरी नजर डाली तो हम लोग उसे काट डालते हैं, याद रखना। काटने के लिए ना तुम बचोगे ना तुम्हारे आदमी बचेंगे, समझा साले? हमारे देश के नौजवानों को तुम्हारे देश ने टेररिस्ट का टाइटल दिया है, अब तेरी बहन को हम सुसाइड बम बनाकर 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटे के अंदर इस बेंगलोर शहर का क्या हाल करते हैं तू देखता जा। प्रीति, बोलो वहां पर कौन सा टेररिस्ट है और तू वहां पर क्यों गई हो? प्रीति, इसकी बहन को ले जाके मानव बम बनाओ। छोड़ो मुझे। प्रीति, प्रीति कुछ तो बोलो। प्रीति, कुछ कहो ना। प्रीति, हेलो प्रीति। अरविंदा, ये क्या प्रीति प्रीति की रट लगा रखा है रे? आ जा, मैं तुझे एड्रेस देता हूँ, चला जा। हिंसा का विरोध करने वाला राम राज्य है हमारा, हमारा देश, हमारी मातृभूमि को तबाह करने वाला शैतान है तू। चुटकी बजाते ही वहाँ पर पहुँच जाऊंगा और तुझे मिट्टी में मिला दूंगा, वहीं पर कब्र खोद कर तुम सब नहीं किया तो मेरा नाम अरविंद नहीं। अगर तुझ में हिम्मत है, वाकई में तू मर्द है, आ जा। और बेंगलोर की जनता को आकर बचा ले, आ जा। तेरी पलक झपकने से पहले ही मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। गलत किया तुम लोगों ने, बहुत बड़ी गलती की है। शंख बजाकर सोए हुए शंकर को जिस तरह जगाते हैं, मेरे अरविंद को एड्रेस देकर उस तरह जगाया तुमने। अब तुम्हारा काम हो गया समझो, वो आएगा और हर एक को उसके एड्रेस से ही लापता कर देगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा। वो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, चुन चुन के मारेगा, तुम सबको चुन चुन के मारेगा, समझे क्या? ए, समझे क्या? ए, बांधो रे, बांधो।
चल जा यहाँ से। जाकर अपने प्यार को बचाओ। हे अरविंद, मैं मरने वाला नहीं हूँ, लेकिन तुम नहीं बचोगे, ना तुम्हारा प्यार बचेगा। ये बेंगलोर में कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। अब सिर्फ 30 मिनट में सब जगह ब्लास्ट हो जाएगा, समझा? मेरा बनाया हुआ बॉम्ब कोई बॉम्ब स्क्वाड डिफ्यूज नहीं कर सकता। प्रीति, प्रीति, प्रीति। अरविंद, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे और हम सबको बचाओगे, हमें इस मुसीबत से निकालोगे। प्रीति, प्रीति, कुछ नहीं हुआ है प्रीति। क्या हुआ? बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है प्रीति। ये क्या हुआ? प्रीति, कुछ नहीं हुआ है, मामूली जख्म है। अरविंद, तुम कैसे करोगे मुझे नहीं मालूम। अगर तुम उससे सचमुच प्यार करते हो और अपने देश की जनता से भी प्यार है, तो हमारे लोगों को और हमारे शहर को रत्ती भर मुसीबत नहीं आनी चाहिए। तुम उन्हें बचाओगे ना अरविंद? फिक्र मत करो प्रीति, अब तुम बस आंखें बंद करके अपने प्यार के हसीन सपने देखो। Hey!
प्रीति 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 अरविंद, इस वक्त हम लोग कहाँ हैं? हमारी मौत से हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं। हम दोनों बेंगलोर शहर से बहुत दूर आ गए हैं। अब अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो भी गया तो भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रीति, तुमने जैसा कहा वैसा मैंने सब कुछ कर दिया। प्रीति, अब तुम खुश हो ना? खुश हो ना प्रीति? अरविंद, अब मैं जानती हूँ तुम एक सच्चे प्रेमी हो। उस दिन मैं प्रेम के रास्ते से हटकर तुमसे गलत बर्ताव किया। तुम मेरे लिए ताजमहल बनाने वाले शाहजहां से भी बढ़ के हो अरविंद। अरे पागल, ताजमहल तो बस दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन जो त्याग हम कर रहे हैं वो 100 करोड़ जनता के दिल में एक दीपक की तरह हमेशा जलता रहेगा। प्यार के नाम पर प्यार में मर मिटना है कहकर बोलने वाले एक दिन हाथ में ही छुरी तलवार चलेकर अपने प्यार के खातिर मरने वाले या मर मिटने वाले वो नौजवान पीढ़ी हमारी इस कुर्बानी को हमेशा याद करती रहेगी। अरविंद, प्रीति, क्या तुम्हें डर लग रहा है? प्रीति, मौत का डर लग रहा है? मुझे बस इस बात का डर था कि हमारी जनता की जान न चली जाए। मैं क्यों डरूंगी? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, हमें इस धरती का कर्ज चुकाने का इतना अच्छा मौका जो मिला है। ऐसी किस्मत करोड़ों में से एक को नसीब होती है। तुम्हें डर लग रहा है क्या अरविंद? बिल्कुल नहीं प्रीति, तुम एक लड़की होकर इतनी हिम्मत वाली हो तो मैं तो एक मर्द हूँ, मुझ में कितनी हिम्मत होगी? हमारी ये कुर्बानी बेकार बैठकर भाषण करने वाले उन भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए एक मिसाल बन जाएगी। प्रीति, एक मिसाल बन जाएगी। अरविंद, तुम हर बार मुझसे एक ही बात पूछते थे ना, वही बात एक बार फिर पूछो। एक्सक्यूज मी, टाइम प्लीज। अब सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं इस जिंदगी को कुर्बान करने के लिए। अरविंद, सिर्फ एक बार मुझे प्यार से किस कर लो ना।